बता दूं कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब चारों साइड पेड़ और एक हवा हवा की आवाज़ आती हो, देख सकते हैं। टेंशन मत करो आप, आपको मेरा जगह पहुँचा दूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि यहाँ का अमेजिंग 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 नज़ारा है यहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सर ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त आज जा रहे हैं पिकनिक करने। जो पिकनिक की लोकेशन है वो नुजानी टॉप है। तो सबसे पहले मैं सामान वगैरह पैक कर लूँगा अपना, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अपने बैग में टमाटर वगैरह, चाकू और मतलब फुलके वगैरह ले लिए। तो तकरीबन 5 से 6 किलो का मतलब मेरा बैग हुआ है अभी। तो फाइनली मैं और मेरा दोस्त निकल चुके हैं यहाँ से। तो दोस्त थोड़ा ज़्यादा दुखी है कि बैग मैंने इसको दे दिया है, तो मुस्कुराता बहुत अच्छा है ये। तो अब देखते हैं कहाँ कैसा रहता है हमारा ये वाला टूर। तो आज हमने ये वाली जगह सेलेक्ट की हुई है, तो जो हमारी पिकनिक करने की लोकेशन है बस यही है। तो इस जगह पे पहुँचेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऊपर चढ़ाई चढ़ के यहाँ से सीधा आगे 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 यहाँ पर जाएँगे, और यहाँ पर जा कर आज हम लंच करेंगे। काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि हम पहाड़ों पे जाके आउटडोर कुकिंग करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके आउटडोर कुकिंग करूं। तो फिर हमने सोचा कि चलो चिकन साथ ले चलते हैं और जाके चिकन बनाएंगे। टमाटर प्याज कट गए हैं, तो अब हम चिकन बनाएंगे। भाई को पूरा एक्सपीरियंस है चिकन बनाने का, और आग भी बहुत अच्छी से तरह से जलाई हुई है इन्होंने। तो भाई अब टमाटर डालने की तैयारी कर रहा है भाई, आराम से। भाई नीचे गिर रहे हैं यार। टमाटर प्याज रेड हो चुके हैं, तो हम डालेंगे इसमें चिकन। बहुत अच्छा लगता है जब आप पहाड़ों के बीच चिकन बनाते हो। सामने देख सकते हो आप कितनी हरियाली और कितने अच्छे पहाड़, और चिकन बन रहा है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी ऐसी जगह। तो फाइनली गाइस, हमारा चिकन बनके हो गया तैयार। तो अब हम इसको थोड़ा साइड उतार लेंगे। साइड उतारने के बाद हम इसको एक इसमें पैक कर लेंगे, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होगा तो उसके बाद हम पैक कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी यहाँ से चलना मतलब हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ से चल पड़ेंगे। हमारा चिकन बनके तैयार हो गया है, आग को बुझा देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जब आप जंगल में जाते हो और आग जलाते हो तो आग को बुझा दिया करो, क्योंकि आग अगर आप बुझाते नहीं हो तो
आगे इधर उधर जाएगी, यहाँ पे मतलब किसी भी देवदार या चीड़ को लग। हमारा चिकन हो गया है तैयार, तो आप टेस्ट करके मैं ज़रा बताता हूँ कि कैसा बना हुआ है। तो अभी फिलहाल गर्म है थोड़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ है भाई ने। तो अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है सुपर, और कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो फाइनल यहाँ से चिकन बना के अब हम अपना सफ़र फिर से जारी रखेंगे और निकलेंगे पहाड़ों की तरफ। पहुंचने वाले हैं, तो जितनी हमारी चढ़ाई थी वो ख़त्म होने वाली है और अब मैं प्लान में पहुंचने वाला हूं। तो सच बताऊं तो जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूं, तो मेरी जो थकावट, मैं जो थका था वो कम हो रही है, क्योंकि पहाड़ों का नज़ारा पार वाली साइड कितना अच्छा नज़ारा है, पीछे मेरे देख सकते हो आप, बहुत अच्छा नज़ारा और दिल भी बहुत खुश हो रहा है। आप पूरा देख सकते हो जहाँ पे हम आना चाहते थे आ चुके हो, और मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। वाओ क्या अमेजिंग जगह है, यहाँ के बारे में मैंने सिर्फ सोचा और सुना ही था, लेकिन आज खुद पहुँचने और खुद फील करने से इन पहाड़ियों में एक आवाज़ गूंजती है और वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आप पूरा व्यू देख सकते हो, फाइनली मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो आप प्लान यहाँ से लेके यहाँ से पार, तो पूरे हम यहाँ इस एरिया से घूमेंगे और आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग व्यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। तो फाइनली जितना मैं थका था नीचे से आते टाइम, तो वो थकावट सब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ का नाम है नुजानी टॉप इज पैराडाइज ऑन द अर्थ, और जो ये जगह है यहाँ पे ऐसा सुकून मिलता है कि मन खुश हो जाता है। और आप जितने भी दूर से आए हों तो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पे कि हम दूर से आए, यहाँ पे सब थकावट ख़त्म हो जाती है। अभी तो यहाँ से फिलहाल शुरू है, यहाँ से पीछे अभी बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि यहाँ का अमेजिंग नज़ारा है यहाँ। सो गाइज, अभी टाइम आता है लंच करने का, और एक बढ़िया सी जगह ढूंढ रहा था मैं, और जो मुझे मिल गई है, चारों साइड पेड़ पौधे और एक प्लान सी जगह जहाँ पे सुकून से हम खाना खा सकें। तो अब हम खाना खा लेंगे। सो गाइज, हमारा खाना लग चुका है, चिकन भी फुलके शुलके लाए थे हमने लिफाफे में पैक करके, तो अब गाइज हम खाना खा लेते हैं। मैं बता दूं कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब चारों साइड पेड़ और एक हवा की आवाज़ आती हो, देख सकते हो आप कितना मतलब नज़ारा है, अच्छा नज़ारा है, ये देखें मेरे आप पूरे मतलब पूरा देखें कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, ये देखिए। तो आपको मैं इतना सा बता दूं कि प्लेट हमने एक ही लाई हुई है, काफ़ी दूर आना था हमने, तो प्लेट एक ही लाई है क्योंकि फुलके शुलके ऐसे ही हमने लिफाफे में लाए हुए हैं, अगर हम ज़्यादा मतलब बर्तन लाते तो काफ़ी वज़न हो जाता और वो उठा ना पाते, तो फिर इंजॉय नहीं हो पाता। तो सच बताऊं दोस्तों कि ऐसा मतलब हरे भरे जंगल में खाना खा रहे हों तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और तो फाइनल हमने खाना खा लिया है, तो अब हम चलेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दोस्तों, एक मज़े की बात बताऊं तो मेरे फ्रेंड को रास्ता भूल गया। तो भाई कहाँ ले रहे हो आप? टेंशन मत करो आप, आपको मैं रास्ते तक पहुँचा ही दूँगा। तो मेरा दोस्त कह रहा है कि जब जंगल में जाना हो तो रास्ता नहीं देखना पड़ता है, तो आप चारों साइड देख सकते हो कोई रास्ते का कोई अता पता नहीं है कहाँ से निकलना है, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हिम्मत रख रहा है मेरा दोस्त, ये कह रहा है कि नहीं हम रास्ते तक ज़रूर पहुँचेंगे, तो देखते हैं कि रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो फाइनली हमें रास्ता मिल गया है। तो बता दूँ कि पानी भी मिल गया है, तो पानी मिल गया है तो मैंने अपनी बोतल कर दी है फुल। पाइप के साइड में भी पानी था लेकिन ये गंदा था, तो इसकी वजह से पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, मैंने पानी भर लिया। इंजॉय करके और वापस अब घर की तरफ निकलने के लिए रवाना हो गए। तो फिलहाल लास्ट व्यू देख लें। बढ़िया रहा भाई। तो भाई फाइनल ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे हम, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।